नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। उत्तराखंड में धूप खिलने के एक छोटे से दौर के बाद अब कुछ दिन बारिश और आंधी तूफान का दौर शुरू होने जा रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी 24 मई तक पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र तक भारी बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में आज कहीं कहीं ओलावृष्टि और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान की संभावना जताई गई है। तो वहीं 23 और 24 मई के लिए तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं बिजली गिरने के साथ ही तेज बारिश की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 मई को राज्य के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारिश के साथ पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि समेत बिजली गिरने के साथ ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा और कई इलाकों में तेज बारिश लोगों को गर्मी से राहत दिलाने का काम कर सकती है। तो मौसम से जुड़ी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।